सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले जो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो आपका एक्सेल था उसमें सबसे पहले आपको जो पहले वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस के बारे में चर्चा किया गया था। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे आपके वर्कशीट के बारे में, कैसे आपको वर्कशीट को आपको एक न्यू वर्कशीट लाया जाता है, कैसे आपको वर्कशीट को डिलीट किया जाता है, रिनेम किया जाता है, आपको जो आपको उसके टैब होते हैं उसको किस कलर से फिल किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि आपका वर्कशीट क्या कहलाता है। तो जिस शीट पर हम लोग काम करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका वर्कशीट कहलाता है। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें जो बाय डिफॉल्ट आपके जो वर्कशीट पाए जाते हैं वो आपके कितने पाए जाते हैं, 3 वर्कशीट पाए जाते हैं। अब ये वर्कशीट जहां पे रखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्कबुक कहलाता है। यहां पे सबसे पहले यहां पे समझेंगे हाउ टू ऐड ए न्यू वर्कशीट। तो सबसे पहले यहां पे समझते हैं कि आपको एक न्यू वर्कशीट कैसे ऐड करना है। सबसे पहले यहां पे देखिएगा नीचे कॉर्नर साइड पे आपके सबसे पहले मैं बताया था कि आपको आपके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 3 वर्कशीट पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा sheet 1, sheet 2, sheet 3। यहाँ पे देखिएगा आगे आपको एक प्लस का सिंबल दिख रहा होगा, जैसे आप इस पे अपना लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक आपके पास न्यू शीट आपके पास और आ जाता है। तो देखिएगा आपको यहाँ पे sheet 4 आ जाता है, जैसे एक क्लिक और करते हैं तो आपको यह आ जाता है sheet 5 आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला तरीका आपका क्या है, जो इस शीट के आगे जो आपका प्लस का सिंबल है उसको आप क्लिक करके आप एक न्यू वर्कशीट आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक आपका एक और तरीका है, जैसे कि यहाँ पे आपका sheet 5 है, इस पर हम यहाँ पे जाते हैं अपना राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे टॉप पे आपका इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सबसे पहले यहां पे देखिएगा कॉर्नर पे आपका जो लिखा गया है, यहां पे क्या लिखा गया है, वर्कशीट लिखा गया है। तो वर्कशीट पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा आपका एक नया वर्कशीट आपके पास आ जाता है, sheet number 6। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दो तरीका समझ चुके हैं, अब यहाँ पे तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका देखिएगा आपको किसी भी आप वर्कशीट पे हैं, यहाँ पे देखिएगा आप sheet number 6 पे हैं तो आपको देखिएगा आपको जाना है आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब के जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको एक इंसर्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी चीजें हैं, इंसर्ट सेल है, इंसर्ट सीट रो है, तो इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जब आपके वीडियो में हम रो के बारे में बताएंगे, कॉलम के बारे में बताएंगे, तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे अभी हम सिर्फ वर्कशीट के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे लास्ट में जो आपका लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इंसर्ट सीट। यहाँ पे इंसर्ट सीट करते हैं, देखिएगा आपके पास एक सीट नंबर आपका जो 7 है, आपका एक न्यू वर्क सीट ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया आपको टोटल आपके 3 तरीके हो गए। अब यहाँ पे चलते हैं चौथा तरीका लिए। तो चौथा जो तरीका है आपका क्या है, शॉर्टकट की का है। तो शॉर्टकट की क्या है, अगर आप शिफ्ट और F11 अगर एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके पास एक नया वर्कशीट ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि आपको एक क्या होता है शिफ्ट में बोला, उसके बाद आपको क्लिक करना है आपको F11। F11 क्लिक करने के बाद आपको देखिएगा आपको एक नया वर्कशीट आ गया जो आपकी sheet number 8 है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग यहाँ पे हाउ टू ऐड ए न्यू वर्कशीट में हम लोग यहाँ पे 4 तरीकों को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो आपका टॉपिक है यहाँ पे हाउ टू रीनेम ए वर्कशीट। हम लोग यहाँ पे आपके जो वर्कशीट है उसको हम तो लोग यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं, बट उस वर्कशीट को हम लोग कैसे रीनेम कर सकते हैं, उसमें अपना नाम कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका तरीका है यहाँ पे देखिएगा, जो आपका शीट यहाँ पे है तो सबसे पहले आप शीट पे क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है। आपको जो आपको लेफ्ट क्लिक होते हैं माउस के उसी के साथ आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको देखिएगा यहाँ पे आपको इसी कलर में आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जाकर यहाँ पे इसको आप टाइप कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्टार्क और
अतुल, यहाँ पे जो आपका वर्कशीट का जो आपका नाम हो गया स्टार्क अतुल हो गया। यहाँ पे पहला तरीका हम लोग यहाँ पे समझे कि किसी भी सीट पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे चूज कर देना है। जैसे एक बार फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा आपको अतुल में लिखा, तो यहाँ पे आपके सीट का नाम हो गया अतुल हो गया। आप एक पहला तरीका आप लोग समझ गए। अब चलते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा मान लीजिए किसी भी आप वर्कशीट पे है, इसका आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तो इस पे क्या करिए, आप अपना माउस के राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहां पे देखिएगा आपको ऊपर से तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि आपका रीनेम का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप उसे क्लिक करते हैं तो आपके पास देखिएगा फिर वही आपको ऑप्शन दिखता है, फिर उसके आप ना जाकर वहां पे अपना नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा अपना नाम यहां पे हम लिखें, अपना नाम स्टार लिखें, तो आपका क्या हो गया, यहां पे एक और वर्कशीट आपका रीनेम हो गया जिसका नाम हो गया स्टार हो गया। यहां पे हम लोग दो तरीकों को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पे देखिएगा एक तरीका आपका और है। देखिएगा मान लेते हैं आप सीट 4 को हम लोग रीनेम करना चाहते हैं, तो सीट 4 पे यहां पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यहां पे जाएंगे आपके होम टैब पे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे बहुत सारे आपको टूल्स दिखेंगे जिसमें हम लोग रिबन्स कहा जाता है। यहां पे देखिएगा आपको एक आपका फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप फॉर्मेट पे यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिएगा आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपका रीनेम सीट का। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यहां पे देखिएगा उसी टाइप का आपका हो जाएगा, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा रीनेम हम करते हैं, यहाँ पे अपन लिखते हैं आपका ट्रिपल सी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके टोटल हम लोग तीन तरीके से यहाँ पे आपके वर्कशीट को आपको रीनेम कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। पहला जो आपका टॉपिक है, हाउ टू डिलीट ए सीट। हम लोग यहाँ पे सीट को क्रिएट कर लिए, रीनेम कर लिए, अब हम चाहते हैं उसको डिलीट करना, कैसे डिलीट किया जाए उसे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पहला सबसे तरीका, मान लेते हैं हम यहाँ पे आपके स्टार कतुल का जो आपका वर्कशीट है इसे हम डिलीट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला तरीका आपका क्या है, यहाँ पे इस सीट पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको देखिएगा आपके सबसे ऊपर आपको जो दूसरे नंबर पे आपको डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे हम डिलीट के ऑप्शन पे अपना क्लिक करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, स्टार्क अतुल का जो आपका वर्कशीट था वो क्या हो जाता है, आपके वर्कशीट से यहाँ पे वर्कबुक से आपके गायब हो जाता है। यहाँ पे देखिए पहला तरीका हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब दूसरा तरीका भी इसका है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे जो आपका अतुल वर्कशीट है इसे भी हम यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, आपको होम टैब में जाना पड़ेगा। होम टैब के जाने के बाद आपको बहुत सारे वहां पे रिबन्स दिखेंगे, तो रिबन्स पे यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे इंसर्ट के बगल में और फॉर्मेट के बीच में आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो डिलीट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग को क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिएगा लास्ट में डिलीट सीट के बारे में लिखा गया है, तो यहाँ पे डिलीट सीट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिएगा आपको जो अतुल नाम का जो आपका वर्कशीट था वो क्या हो गया, आपका गायब हो गया यानी डिलीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हाउ टू डिलीट ए सीट के तहत हम लोग दो तरीकों को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ टू हाइड एंड अनहाइड सीट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा किसी भी वर्कशीट को हम हाइड करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे आपका जो स्टार्क जो आपका यहाँ पे वर्कशीट है इसे हम हाइड करना चाहते हैं, तो इस सीट पे मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको एक हाइड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसे करने के बाद हाइड पे क्लिक करने के बाद आपका जो स्टार्क नाम का जो आपका वर्कशीट था वो क्या हो गया, हाइड हो गया। हाइड होने से मतलब आपका ये नहीं होता कि आपका वर्कशीट डिलीट हो गया, वो हाइड का मीनिंग ये होता है कि आपको छुपा दिया गया, कोई उसे देख नहीं सकता है। तो यहां पे देखिएगा अब वो चीज हाइड हो गई, अब मुझे उसे वर्कशीट को अनहाइड करना है, तो अनहाइड करने के लिए आप किसी भी वर्कशीट पे, मतलब जरूरी नहीं कि आप किसी भी वर्कशीट पे, किसी भी वर्कशीट पे आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिएगा हाइड के नीचे एक ऑप्शन आपको और दिखेगा, तो क्या दिखेगा, आपको अनहाइड का ऑप्शन दिखेगा। अनहाइड के ऑप्शन पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जितने भी आपने आइटम हाइड किए होंगे, जितने भी आपने वर्कशीट हाइड किए होंगे सभी का वहां पे आपको लिस्ट दिख जाएगा। तो अभी तो हम लोग ने यहाँ पे एक वर्कशीट को हाइड किया था जो कि आपका नाम था स्टार्क नाम था, अब इसको हम क्या करना है, हमको अनहाइड करना है, तो अनहाइड करने के लिए यहाँ पे ओके करते हैं, तो देखिएगा आपका स्टार्क नाम का जो आपका जो वर्कशीट आपको हाइड हो चुका था, अब यहाँ पे देखिएगा आपका अनहाइड हो चुका है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे।
अब यहाँ पे चलते हैं हाउ टू कॉपी एंड मूव सीट। जो भी आपकी वर्कशीट होती है उसे हम कॉपी या मूव कैसे कर सकते हैं। मूव का क्या होता है, किसी भी एक वर्कशीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे करना ही क्या कहलाता है, आपका मूव कहलाता है। तो देखिएगा किसी भी शीट को, देखिएगा यहाँ पे जैसे आपका स्टार्क नाम का आपका वर्कशीट दिख रहा होगा, हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये वर्कशीट आपको यहाँ पे बीच में दिखे, और जो आपका वर्कशीट नंबर 7 है ये चाहते हैं हम यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखे। तो कैसे होगा, तो देखिएगा आपको किसी भी अपने आप देखिएगा कि जिस शीट को आप करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप स्टार्क को करना चाहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे शीट 8 है, तो शीट 8 को हम करना चाहते हैं कि आपके स्टार्टिंग में आ जाए, मतलब स्टार्क के पहले आ जाए। तो यहाँ पे इसके आप सबसे पहले यहाँ पे सीट आपके जो वर्कशीट है 8 है उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम अपना लेफ्ट बटन यहाँ पे दबाएंगे, लगातार दबाते रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके इधर हम जाकर अपना ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा आपका क्या हो गया, सीट नंबर 8 क्या हो गया, आपके स्टार्क के आगे आ गया। सबसे पहले तरीका आपका क्या करना, जैसे आपको फिर से समझाते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपको सीट नंबर 7 है, हम चाहते हैं इस ट्रिपल सी से पहले आ जाए, तो क्या करना है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट आपको क्लिक करते रहना, उसके बाद इसको ड्रैग करना है आपको ट्रिपल सी के पहले, उसके बाद वहां पे आपको छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद देखिएगा आपका जो वर्कशीट नंबर 7 है वो आपका ट्रिपल सी के पहले आ गया। तो पहला तरीका आपको यही है, ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरा तरीका यहाँ पे देखिएगा, जो आपको मान लेते हैं यहाँ पे जो आपका सीट नंबर 7 है, हम चाहते हैं सीट नंबर 5 के पहले हो जाए, तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या करना है, इसमें हमको राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मूव और कॉपी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसपे हम क्लिक करेंगे। तो इसपे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको पूछ रहा है कि बिफोर सीट, किस सीट के पहले आप करना चाहते हैं। देखिएगा यहाँ पे सीट 5 है, तो सीट 5 के हम पहले करना चाहते हैं, तो सीट 5 को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद देखिएगा आपका क्या हो गया, जो आपका सीट नंबर 7 था आपके सीट नंबर 5 पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से यहाँ पे मूव करने के लिए यहाँ पे सीखा गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉपी कैसे किया जाए, जो आपकी वर्कशीट है उसे कॉपी कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देखेगा यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम सीट नंबर 7 को हम कॉपी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि हाउ टू कॉपी वर्कशीट, मतलब किसी भी वर्कशीट को हम कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं जो आपका जो वर्कशीट नंबर आपका 7 है, इसे हम कॉपी करना चाहते हैं, तो इसे कॉपी करने के लिए इस हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा जो मैं ऑप्शन बताया था मूव और कॉपी का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा लास्ट में आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन क्रिएट ए कॉपी, तो इस पर हम क्या करेंगे, आपका टिक का निशान लगा देंगे। तो आपको उसके बाद क्रिएट ए कॉपी के साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि आपको किसके पहले करना है, जैसे आपको यहाँ पे हम चाहते हैं आप जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि आपका ट्रिपल सी जो आपका वर्कशीट उसके पहले भी हो जाए और कॉपी भी हो जाए। तो यहाँ पे ट्रिपल सी पे हम क्लिक करते हैं, देखिएगा आपका जो आपका सीट नंबर जो आपका 7 था उसका एक कॉपी बन गया, क्या हो गया, सीट नंबर 7 जिसका आपका सेकंड पार्ट है, जो उसका कॉपीड आपका वर्कशीट है, और हम चाह रहे थे आपके ट्रिपल सी के पहले आ जाओ, ट्रिपल सी के पहले आ चुका। तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया कि हाउ टू कॉपी एंड मूव वर्कशीट। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हाउ टू चेंज टाइप कलर। देखिएगा हम यहाँ पे बहुत सारे वर्कशीट पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग को कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा वर्कशीट का काम पूरा हो चुका है, कौन सा वर्कशीट का काम पेंडिंग है, कौन सा वर्कशीट का काम अभी बहुत ही नेसेसरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने जो टैब होता है उस पर हम कलर कर देते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि इस काम में, इस वर्कशीट में भी काम बाकी है, इस वर्कशीट का काम पेंडिंग है या इस वर्कशीट का काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा हाउ टू चेंज टाइप कलर के लिए सबसे पहले आपको, जैसे मान लेते हैं आपको एक स्टार्क है, स्टार्क वर्कशीट को हम लोगों को क्या करना है, टाइप कलर को चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्क वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टाइप कलर का। टाइप कलर के बाद ऑप्शन पे यहाँ पे देखिएगा आप अपने मनचाहा एक कलर चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम मानते हैं यहाँ पे रेड कलर चूज लेते हैं, रेड कलर यहाँ पे
चूज कर लेते हैं। तो रेड कलर चूज करने के बाद देखिएगा आपका जो यहाँ पे स्टार्क वर्कशीट हो गया आपको रेड कलर हो गया। इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपके स्टार्क जो आपका वर्कशीट है अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे एक बार और बताते हैं, जैसे आपका ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी पर सबसे पहले मैं बताया था कि आपको क्या करना है कि राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टाइप कलर पे जाते हैं। टाइप कलर करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे किस पे क्लिक कर देते हैं, ग्रीन पे क्लिक कर देते हैं। तो ग्रीन पे क्लिक करने के बाद देखिएगा आपके यहाँ पे क्या गया कि आपको जो ट्रिपल सी का काम है, इससे हम पता चलता है कि जो आपका ट्रिपल सी का जो आपका काम है ये आपका पूरी तरह से आपका डन हो चुका है। तो इस तरह आप इसको पहचान सकते हैं कि किस वर्कशीट पे आपका कितना काम हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे काफी पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आपका हाउ टू ऐड ए न्यू वर्कशीट, हाउ टू रिमूव ए वर्कशीट, हाउ टू डिलीट ए वर्कशीट, हाउ टू हाइड एंड अनहाइड वर्कशीट, हाउ टू कॉपी एंड मूव वर्कशीट, हाउ टू चेंज टाइप कलर। तो इतने सारे पॉइंट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।